morning everyone i am a Pekshai, assistant professor in indraprasth law college so the topic for today is preemption now what is the meaning of this preemption see we call it shufa under muslim law so read the first line what i have

और ये दोनों हिंदू और मुस्लिम लॉ में था नो वॉट हैपन वट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रीएमशन मुला के वर्ड्स में द राइट ऑफ शूफा और प्रीएमशन इज अ राइट विथ द ओनर ऑफ एन इमोवेबल प्रॉपर्टी पोजेस क्वायर बाय परचेज अनदर इमोवेबल प्रॉपर्टी विच हैज बीन सोल्ड टू अनदर पर्सन तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रियम्शन का राइट right है वो वो राइट right है विच द ओनर ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी जो एक जो ओनर होता है इमोवेबल प्रॉपर्टी का द राइट विच ही पोजेस क्या राइट right होता है अब उस पर एक्वायर करने का दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद के जो दूसरे को बेची जा रही है सो द राइट ऑफ आई इसका रिपीटेड क्या हुआ कि राइट ऑफ़ किएन इज अ राइट सो प्रियम्पशन इज अ राइट पहली बात तो ये आती है इट इज अ राइट इट इज अ राइट विच द ओनर ऑफ एन इमोवेबल प्रॉपर्टी पोजेस टू एक्वायर बाय परचेज अनदर इमोवेबल प्रॉपर्टी ज बीन सोल्ड टू एन अदर पर्सन और जस्टिस महमूद ने उसे कैसे डिफाइन करा है देखिए जस्टिस महमूद उसे डिफाइन करते हैं प्री एम्पन को एज अ राइट विच द ओनर ऑफ सर्टेन इमोवेबल प्रॉपर्टी पोजेस एज सच फॉर द क्वाइट इंजॉयमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी ओनर के पास जो राइट होता है फॉर ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर टू ऑपटेन सब्सटीट्यूशन फॉर बायस प्रोपराइटरी पोजेशन ऑफ सर्टेन अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सो ऑन सो जो लॉ है प्रियम्शन का मुस्लिम लॉ में इसको हम मुस्लिम लॉ ऑफ ससेशन के थ्रू देखते हैं और मुस्लिम लॉ के अंदर अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो प्रॉपर्टी उसकी दो जगह डिवाइड हो जाती है और प्रॉपर फ्रैक्शन में बढ़ती है सो प्रियम्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस मुस्लिम पर्सनल लॉ अब हम इसमें एक केस है ये देखिए आप पहले ये रीड कर लीजिए द वर्ड प्रियम्पशन इज द राइट ऑफ सब्सिट्यूशन कन्फर्ड ऑन समन इधर बाय स्टेट्यू कस्टम और कंट्रेक्ट द राइट इज टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ वेंडी प्रोफेंशियली ऑन द टर्म्स ऑफ द सेल ऑलरेडी सेटल बिटवीन द वेंडर एंड वेंडी विजयलक्ष्मी वर्सेज बी हेमंत राज शेट्टी के केस में ऐसा कहा गया इन द वर्ड्स ऑफ मुला दिस इज इंपॉर्टेंट द राइट ऑफ शूफा और प्रियम्शन इज अ राइट विच द ओनर ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी Possesses to acquire by purchase another immovable property which has been sold to another person. So, Muslim law of preemption is to be looked at in the light of Muslim law of secession. Next, kya aata hai? Under Muslim law, the death of a person results in division of the property into fractions, right? If an heir is allowed to dispose of his share without offering it to the co heir, then it is likely to be led to the introduction of strangers into part of the state with resultant difficulty and convenience.

और उसको को कहेंगे प्रॉपर्टी में जो को होगा एक ओनर हुआ जिसकी प्रॉपर्टी है और उसके साथ एक हुआ शाफी ए और पार्टिसिपेटर इन को ओनर दिस एक्सप्रेशन मीन अ पर्सन हु इज टू सच ईजमेंट एज अ राइट ऑफ वे और डिस्चार्ज ऑफ वाटर सो द दाफी एर और ओनर ऑफ एन एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी राइट सो so बेसिकली right, uh, right ये राइट दाइट ऑफ प्रियम्शन ये फुल ओनरशिप से ही राइज होती है और ये बात कुछ मायने नहीं रखती कि प्रियमटर के जो प्रियम्प्टर होगा वो पोजेशन उसके पास पोजेशन में है प्रॉपर्टी या नहीं है क्योंकि ओनरशिप इसमें मैटर करती है पोजेशन मैटर नहीं करता है प्रॉपर्टी का ही हैज टू बी द ओनर उससे उसको राइट right मिलता है उस पर्सन को राइट right मिलता है प्रियम्पन का राइट right? अब जो अब ये राइट ऑफ प्रियम्पन अराइज कब होता है सी दिस थिंग इज़ द राइट ऑफ फ्रॉम फुल ओनरशिप एंड इट इज दैट अ दैटर इज नॉट इन पोजिशन ऑफ इिस प्रॉपर्टी इट इज द ओनरशिप एंड नॉट पोजेशन विच गिव राइज टू द राइट ऑफ प्रियम्शन राइट इसके बाद राइट ऑफ प्रियम्शन दो केसेस में राइज होता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक तो होगा सेल और एक हुआ एक्सचेंज राइट जब वो सेल के उसमें राइज होता है तो वो सेल कंप्लीट होनी चाहिए बोनाफाइड होनी चाहिए कंप्लीट बोनाफाइड और वैलिड होनी चाहिए सिमिलरली इसमें भी वो सेल कंप्लीट बोनाफाइड होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए एक्सचेंज प्रियम्शन का राइट right, गिफ्ट के मैटर में नहीं होता। वक्फ में या इनहेरिटेंस या लीज में इसमें नहीं होता ये राइट right. ये मॉडगेज में भी अप्लाई नहीं होता बट इफ द मॉडगेज इज फोर क्लोज देन द राइट ऑफ प्रियम्शन अराइजेस अब इसमें हालांकि केस टू केस डिफर भी करता है अब जैसे मैंने कह दिया कि गिफ्ट में प्रियम्शन का राइट right नहीं होता ना वॉट इज दिस मान लीजिए एक डीड है उसको हम गिफ्ट भी कहते हैं बट एक्चुअल में इट इज अ सेल राइट सो द राइट ऑफ प्रियम्शन विल अराइज इन दैट केस ये इसमें केस है भगवान दत्त वर्सेज ब्रिज में ये हेल्ड हुआ था यू कैन नोट इट भगवान दत्त आई कैन राइट इट है देख लीजिए आप भगवान दत्त वर्सेस ब्रिज में क्या चीज हेल्ड हुई थी कि वेरियस केसेस में कोर्ट अपने आप अपने तरीके से देखेगा कि ट्रांजैक्शन किस चीज पे हो रही है गिफ्ट में प्रियम्शन का राइट right नहीं होता लेकिन अगर एक डीड है जो कि गिफ्ट ही हुई वो एक्चुअली में एक सेल है तो उसमें प्रियम्शन का right राइट राइज होएगा दिस इज व्हाट वाज सेड इन भगवान दास वर्सेस ब्रिज ठीक है। Preemption में सो so, इतना ही था इसमें प्रियम्शन में थ्री पार्टीज होती हैं एक होता है हमारा प्रियमटर एज एक हुआ हमारा प्रियमटर एक हो रहा हमारा वेंडर और एक हुआ हमारा वेंडी राइट right? So, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं रेस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग अबाउट डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका सो so, एक बार खुदली इसे रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या चीज़ देखी है प्रियम्पन में राइट पहले हमने इसका मीनिंग समझा द वर्ड प्रियम्शन इज अ राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओके सो बेसिकली दस राइट ऑफ प्रियम्पशन इज गिवन टू द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एक्वायर एन अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट हैज बीन सोल्ड टू सम अदर पर्सन ओके सो इट इज द परचेज बाय वन पर्सन बिफोर ऑल अदर्स इसीलिए इसको राइट ऑफ सब्सिट्यूशन कहा गया है नॉट ऑफ रीपरचेज सब्सिट्यूशन का राइट right इसीलिए कहा गया है फिर से समझिए इसको कि प्रियम्शन का राइट right, पहली बात समझिए किसको दिया गया है ओनर को दिया गया है एक इमोवेबल प्रॉपर्टी के ओनर को कि, किस चीज का राइट right दिया है

So, what is the objective of this right? This that question should be this. The objective behind this right is to maintain the privacy and prevent the strangers to come in, come in, in a come in a family. And for Justice Mahmudni defined this? as a right given to the owners of an immovable property for quite enjoyment of that immovable property to obtain in substitution for the buyer.

दो चीजें होनी चाहिए राइट इन फैक्ट थर्ड थिंग इज कुछ रिलेशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी बिटवीन प्रियमटर एंड द सेलर ऑफ द लैंड एक रिलेशन भी होना चाहिए प्रियमटर का और द सेलर ऑफ द लैंड सो टू एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ प्रियम्शन प्रियमटर को कुछ फॉर्मैलिटीज करनी होगी परफॉर्म जैसे कि प्रियमटर हैज टू डिक्लेयर हिज इंटेंशन टू असर दैट द राइट इमिडिएटली आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल राइट तो यही सब चीजें हैं इसमें दैट सेट इसमें एक एग्जाम्पल एक से आपको आई कैन बी मोर क्लियर सपोज एक्स यहाँ पे देर इज नो स्पेस ओके सपोज एक्स ओन्स अ लैंड विच ही टू वाई वो वाई को लीज पे देता है ही ओन्स राइट वाई को लीज पे देना वाई उस पर घर बनाता है और उसको जेड को दे देता है अब यहाँ पर एक्स क्लेम नहीं कर सकता राइट ऑफ प्रियम्पन बिकॉज ही नीदर अर नॉर पार्टिसिपेटर इन दी ऑफ दैट हाउस नॉर अ ओनर ऑफ दैट द्वाइनिंग प्रॉपर्टी राइट सो ये एक अब जहां पर प्रॉपर्टी चार लोगों ने ओन करी हो इक्वल प्रोपोर्शन में एंड वन ऑफ देम सेल्स हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी देन द

प्रियम्पन इसमें हम राइट की बात करते हैं प्रियम्शन की वो ओनर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी को दिया होगा टू एक्वायर अनदर इमोवेबल प्रॉपर्टी दैटीन सोल्ड टू समर्सन सो इसलिए सो दैंक यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ द रिजोल्यूशन